खराब गोले जो थे वो यही वो ननद रानी जो खराब गोले लेकर आई थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आज कुछ घर में बहुत बड़ा होने वाला है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और अभी मॉर्निंग का समय है और घर में चल रहा है काम, तो मैं काम में जुटी हुई हूँ। मैंने सोचा कि मैं पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, जैसी भी हूँ उसी अवस्था में, और उसके बाद क्या क्या होता है वो आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी घर में काम चल रहा है, क्लीनिंग हो चुकी है, मतलब कि अभी साफ़ सफाई चल रही है, वो सब हो रहा है। और क्या होने वाला है वो थोड़ा सा आगे बताऊंगी, लेकिन हो रहा है बहुत बड़ा, जिसका नहीं सोचा था वो हो रहा है। और ये खुशी का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैंने यहाँ पर जला ली है लाइट, और यहाँ पर आज ना ये देख सकते हैं झूमर लगी है, तो मैंने इसकी लाइट जलाई है। और कहाँ कहाँ लगी है यह भी दिखाऊँगी। बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही कुछ होने वाला है, बहुत सारी तैयारी चल रही है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, क्या होगा वो तो मैं आगे चल के ही बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ पर गुनगुन बैठी हुई है, और यहाँ पर प्रिया बैठी हुई है, प्रिया जो कि मेरी जिठानी की बेटी है। और यहाँ पर दोनों बैठी हैं, और मैं वीडियो बना रही तो वो हंस रही थी, और के मम्मी मतलब कि हमारा वीडियो ले रही हैं। और यहाँ पर ये रूम में झूमर लग चुका है, और यह इस वाले में भी लग चुका है। तो ये दोनों रूमों में ये देख सकते हैं, इस वाले में यह है और उस वाले में दूसरा वाला, तो ये भी लग चुके हैं। चौक का मैंने आपको पहले ही दिखाया था, कैसे लग रहे हैं बताइएगा। तो ये देख सकते हैं चौक में भी लग चुका है। तो मेरे दो रूम और चौक में हमने ये झूमर लगवाए हैं, और कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ चाय, और तैयारियाँ चल रही हैं। तो छत पर टेंट लग रहा है, और यहाँ पर चाय बना रही हूँ क्योंकि कुछ मेहमान आ गए हैं, तो मेहमान आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने बना ली थी चाय, और मैं जो आ गए हैं उनको थोड़ा सा चाय नाश्ता दे देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, चाय है, नमकीन है, बिस्किट, यही हल्का सा नाश्ता उनको दे देती हूँ, क्योंकि दोपहर का समय है तो बस हल्का ही चल जाएगा। तो अभी कुछ गेस्ट आए थे तो उनको मैंने खाना खिलाया है, और मैंने अपने लिए किया है गर्म पानी, तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी। घर में फंक्शन है और मेरी तबीयत ख़राब है ना, मेरी तबीयत ख़राब है, और मेरे पेट में ना प्रॉब्लम हो रही है। पेट की प्रॉब्लम यह है, जो माप या नाप वगैरह होती है ना वो हो रखी है, उसकी वजह से दर्द भी है, और उसकी वजह से ही मेरी टांगों में दर्द है। तो मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ, क्योंकि पेट में स्वेलिंग भी आ जाती है, इसलिए मैं गर्म पानी पी रही हूँ। तो इसकी वजह से थोड़ा ठीक भी हूँ, वरना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी थोड़ा गर्म है पानी, इसको बाद में पीऊँगी। और सभी कुछ ना कुछ काम में बिजी हैं, तो अभी हलवाई लगने वाला है, तैयारियां हो चुकी हैं, और टेंट वाले भाई ने टेंट लगा दिया है छत पर। तो मैं आपको टेंट दिखाती हूँ कि छत पर टेंट लगवाया है। अचानक से प्रोग्राम बना और इतना सोचा नहीं था, लेकिन खुशी का दिन आया है, तो ईश्वर ने कराया है तो हो रहा है। तो मैं दिखाती हूँ, छत पर टेंट भी लग चुका है, पैक कैमरे से दिखाती हूँ, या फिर मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, और छत पर लग गया है टेंट। तो इतना नहीं सोचा था, और सच में उससे भी ज़्यादा बढ़ के होने जा रहा है, और उस खुशी को मैं बयां नहीं कर सकती। और कार्य तो इससे भी बड़े बड़े हुए हैं परिवार में, और काफ़ी मतलब अच्छे से सब कुछ होता है, लेकिन ये जो छोटी सी खुशी है ना, ये छोटी सी खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। और ईश्वर ने वो दिन मतलब खड़ा किया है, और वो खुशी को बस मैं बयां नहीं कर सकती। तो टेंट लग चुका है, टेंट वाले भाई ने जो भी सामान है वो वहाँ पर रख दिया है, बाकी तैयारियाँ जो भी होंगी यहाँ पर वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और हलवाई लोग उधर लग चुके हैं, और बस मेहमान आने शुरू हो गए हैं। अभी एक दो ही लोग आए हैं, और इवनिंग में तो भीड़ लग जानी है। तो जो भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी, बने रहिएगा और मेरी खुशी में शामिल ज़रूर होइएगा। आज मैं कैमरे के सामने कैसे घूम रही हूँ, तब से ही ना बिंदी है ना कुछ है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा आराम से ही मतलब
मेकअप थोड़ा हल्का वाला करूँगी और सामान आके रख गया है यहाँ पर कुछ, क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर रखनी है वो रख गई हैं। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ गई है और ये पानी की बोतल है और उधर भी कुछ है उसमें, और उधर कट्टे में भी कुछ है जो कि अभी आया है। ये थोड़ा सा सामान अभी और आने वाला है जो कि इस तरह का, इस टाइप का है, वो आ चुका है। अभी जो और आने वाला है वो आ चुका है, कुछ रखा हुआ अभी है जो कि अभी आया है वो यहाँ पर रखा हुआ जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर अभी किसी ने खाना खाया था तो ये बर्तन भी मुझे उठाने हैं, तो ये बर्तन मैं उठा देती हूँ अभी। यहाँ पर ये खाना खाया था तो इनको मैं ना सिंक में डाल देती हूँ अभी। यहाँ पर सिंक में डाल दिए हैं। मेरी एक खासियत है कि घर में कोई भी प्रोग्राम हो, मेरे लिए हो, मेरे बच्चों के लिए हो, या फिर कोई भी मेरे घर में प्रोग्राम कर रहे हो, तो मेरी खासियत यह है कि भले ही मैं चाहे जैसी रहूँ, बस मेरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा रहना चाहिए और मैं उसी में ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। अपने लिए समय कम लेती हूँ मैं घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, और कोई भी चीज़ कहीं पर इधर उधर ना हो, सब चीज़ें अपनी जगह पर हों और एकत्रित हों, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मैं मायने रखती हूँ, और ये अब से नहीं, ये मेरा जब से मैं काम वाम करने लगी हूँ तब से ही है, मेरे गांव से ही है, मेरे बचपन से ही है। तो ये खासियत, ये खासियत कैसी है, अच्छी है बुरी है वो आप बताइएगा। वैसे मैं समझती हूँ कि अच्छी ही है। और अभी मैं आपको एक छोटा सा एक मिनट का सा टूर कराती हूँ अभी पूरे घर का, तो मैं अभी आपको छोटा सा कराती हूँ। तो यहाँ से एंट्री होती है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मतलब कि यहाँ पर ये गमले रखे हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ पर आया है स्कूल से कार्तिक। तो कार्तिक एक साइड हो जाओ बेटा, ये फैन किसने चलाया है? तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, तो अभी जो साफ सफाई हो चुकी है तो नज़ारा कुछ इस तरीका से है। ये डाइनिंग टेबल और यहाँ पर लगी है झूमर, तो पहले फ़ैन नहीं लगे हुए थे, अब फैन लगे हैं। ये है झूमर और वो है किचन जो कि खाना वगैरह बन चुका है, और अभी थोड़ी सी मैसी हुई पड़ी है और उसमें लाइट भी कम जला रखी है, क्योंकि लाइट ना आज परेशान कर रही है, कभी आ रही है जा रही है, इसलिए लाइट बनी रहे। तो ये देखो सर्दियों में ये फैन चला रखा है इसने और उसके नीचे नाच रहा पागल। इसे बंद करो, बंद करो, ठंड लग जाएगी। बाबू गलत बात है गणेश। तो ये हो गया पूरा पागल। और यहाँ से है ये वाला रूम जो कि होम टूर तो मैं दे चुकी हूँ, बाकी अभी जो इस तरीका से है कुछ डेकोरेशन साफ सफाई, ये देख सकते हैं। ये कार्तिक का रूम, कार्तिक अभी आया था रूम में और ये बंद करके चला गया है, ये देख सकते हैं। तो इस तरीका से ये झूमर मैंने दिखाई दी है आपको, तो साफ सफाई कुछ इस तरीका से है। ये किचन और ये गुनगुन का रूम जो कि आप देख ही चुके हो, इधर वॉशरूम बैठक है, उधर जो हलवाई लोगों का सामान रखा हुआ है, और ये भी मैं दिखा चुकी हूँ। तो अभी कुछ इस तरीका से है। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेहमान में जो आए हैं वो आई हैं मेरी ननद रानी, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा है। और ननद रानी जो है छाई हुई है मेरे ब्लॉग में। ननद रानी के खराब गोले जो थे वो यही वो ननद रानी जो खराब गोले लेकर आई थी खराब गोले वाली है ये। और अभी पिछले ब्लॉग में भी इनको देखा था आपने, तो अभी ये सबसे पहली जो मेहमान है वो यही है मेरी ननद रानी, और सबसे पहले आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शुरुआत इनसे हुई है, अब देखते हैं कौन कौन आता है और क्या क्या हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो थोड़ी देर में और यहाँ पर हो रही है तैयारी, तो ये बलून फुलाए जा रहे हैं ताकि घर को डेकोरेट किया जा सके। तो इस तरह से ये देख सकते हैं, तो ये भाई लगे हुए हैं यहाँ पर और ये मशीन से ही बलून को फुला रहे हैं ताकि आसानी से फूल जाए, क्योंकि काफ़ी सारे हैं तो फिर काफ़ी समय लगता है जब हम अपने घर में ही फुलाते हैं, तो इसलिए भाई को ही दे दिया है काम, तो वो अपने बलून का यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में बलून हैं।
हेलो जी। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हम हो गए हैं रेडी, क्योंकि दोपहर से हम ऐसे ही घूम रहे थे जो कि आपने ब्लॉग में देखा है। और अभी जो दूसरे वाले मेहमान हैं वो आए हैं, मेरी सिस्टर जो मेरे से बड़ी हैं और उनके बच्चे यानी कि उनकी फैमिली। तो ये बड़ी वाली बिटिया, वो उनसे छोटी और वो उनसे छोटी, तो ये मेरी दीदी की बिटिया हैं और दीदी हैं वहाँ पर। तो दीदी ये लेट रही, ये लेट रही दीदी, कोई बात नहीं है दीदी, थोड़ा थक गई है तो दीदी लेट नहीं है, आराम कर रही हैं। और दूसरे नंबर के मेहमान ये हैं, तीसरे नंबर वाले हैं वैसे, और दो मेहमान आ चुके हैं और ये तीसरी फैमिली अभी आई है। अभी जो जो आएंगे सबसे मिलाती रहूँगी। और यहाँ पर हो गए हैं गणेश जी तैयार। गणेश जी कैसा लग रहा, तैयार हो के? सही लग रहा है। मुँह तो धुला नहीं है, कपड़े पहन लिए, मुँह नहीं धुला। देखो मुँह नहीं धुला आपका, मुँह दिखाओ। चलो मुँह धुलाते हैं, ठीक है? हैं तो गणेश जी का मुँह धुला के और इसके बाल बनाती हूँ, फिर उसके बाद बाय। जो हमारा दुख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, बच्चे हो, घर में बीवी हो, बहन हो, भाई हो, और सबका साथ देते हैं, सबके साथ खड़े रहते हैं और सबके लिए ही अपनी यहाँ तक की जो है ज़िंदगी उन्होंने अब तक समर्पित की है, घर बनाने में, बच्चों को पालने में, या में घर में बीवी की कोई परेशानी हो, बच्चों की कोई परेशानी हो, सबका साथ देते हुए इतने अच्छे से सबको रखा, सबका ख्याल रखा और अपना कोई ख्याल नहीं रखा। तो छोटी सी यह खुशी उनके लिए है। सो फ्रेंड्स मैं बाप को बता ही देती हूँ, तो ये छोटी सी खुशी है मेरे हस्बैंड जी के लिए। क्या खुशी है वो आप गेस करके बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और जो सही जवाब देंगे उनको मैं अपनी तरफ से 5 सब्सक्राइब करूँगी उनके चैनल को। तो फ्रेंड्स मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, आप इंतज़ार